नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, पूरे भारत में तालियों की गड़गड़ाहट और शंखों की ध्वनि इस बात का प्रतीक है कि भारत इस रोग से लड़ने के लिए एकजुट है। भारत अपने किसी भी शत्रु को हराने और मिटाने का हौसला भी रखता है और साथ में ताकत भी है। अब इस देश में यह वायरस अधिक मुंह नहीं उठा पाएगा, इसको परास्त करने की तैयारी हो चुकी है। यही वजह है कि यहां मंदिरों में बजे शंख अब वायरस के बाय बाय कहने की तैयारी करा चुके हैं। इधर शंख बजे हैं पर उधर पाकिस्तान के बैंड बज रहे हैं। अकेला पाकिस्तान ही क्यों, उसके यार मलेशिया की गोल टोपी भी हवा में उड़ रही है। मलेशिया में संक्रमित लोगों की संख्या 1306 हो चुकी है, जबकि 10 लोग हुरों की खोज में निकल भागे हैं। हो सकता है कि जब यह विश्लेषण आप देख रहे हो, यह आंकड़े गलत साबित हो जाएं, मगर जो कहर पाकिस्तान और मलेशिया में बरप रहा है वह इमरान लोंडे के घबराना नहीं से ज्यादा घबराहट बढ़ाने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि मलेशिया में 34 केस उस दड़बे से आए हैं जहां धार्मिक सम्मेलन के नाम पर यह लोग इकट्ठा हुए थे, यानी शाहीनबाग का बाजा भी ऐसे ही बजना तय है। पाकिस्तान में तो हालात कहीं ज्यादा पेचीदा हो चले हैं, यहां बहुत तेजी से मामलों में इजाफा हो रहा है। मुल्लाओं की दुआएं और कुरान के बीच से बाल उठाकर पानी में डुबाकर पीने वाला टोटका भी कोई कमाल नहीं दिखा पाया, जिससे संक्रमित तैमंदबाजों की तादाद 892 पहुंच गई है। अब भारत की बात करें तो यहां 130 करोड़ की आबादी में 300 के लगभग ही केस चिन्हित हुए हैं, पर असली मामला तो इससे आगे है। भारत की देखा दाखी पाकिस्तानी जनता इमरान खान पर लॉकडाउन करने का दबाव बना रही है, मगर लोंडा दुविधा में है। वह नेशनल शटडाउन करने से घबराहट की हालत में है। डर है कि कहीं पहले से ही बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था गर्क में ना चली जाए। आलम यह है कि अब तैमंदबाज सुप्रीम कोर्ट के सहारे हेल्थ इमरजेंसी लगाने के लिए एकजुट हो गए हैं। इन लोगों ने हेल्थ इमरजेंसी लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में इमरान खान की लापरवाही और नाकामियों का बाकायदा ठीकरा फोड़ा गया है। मतलब लोंडा चला दरिया नहाने, बेगम ने खाली घड़ा पटक दिया। अब दरिया और खाली घड़े के बीच उल्टे लटके इमरान खान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान में बिना लॉकडाउन किए ही 3,42,00,000 डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन लागू किया जाता है तो उसे प्रतिदिन 6,80,00,000 डॉलर का नुकसान होना तय है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 1.57% का नुकसान भी होगा और 9,46,000 लोगों का रोजगार चला जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2.5% पर रुका हुआ है, जो 1.5% जैसी बुरी हालत में आ सकता है। अगर पाकिस्तान को कर्ज मिलता है तो यह उसके लिए बहुत खराब स्थिति होगी, क्योंकि यह कर्ज अनचाहा कर्ज कहलाएगा। अगर इस बीमारी का संकट नहीं होता तो पाकिस्तान को अमेरिका और विश्व बैंक से मिलने वाला लोन विकास की योजनाओं पर खर्च किया जा सकता था, मगर अब उसे अनचाही मुसीबत पर खर्च करना पड़ेगा। पर इससे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर इमरान खान ने लॉकडाउन का फैसला नहीं किया तो इस मुल्क में 5,00,000 से ज्यादा तैमंदबाज रुखसत हो सकते हैं, वह भी तब जबकि इमरान खान आज से ही बचाव करना शुरू करें। यह वायरस परमाणु चैन की तरह पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। आने वाले 10 दिनों में पाकिस्तान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 90,000 से ऊपर पहुंच सकता है और सैकड़ों आदमी इसी दौरान जान गंवा सकते हैं। यहां 1700 गुना तेजी से संक्रमण फैल रहा है, जो उसकी भयावहता को प्रकट करता है। भारत सरकार ने एक सफल लॉकडाउन करके भारत की जनता के स्वास्थ्य की चिंता साबित की है। 72 साल के इतिहास में इतने लंबे वक्त तक भारत रेल के पहिए कभी नहीं रुके। देशवासियों ने क्लैप देकर सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प दिखाया है, मगर पाकिस्तान के मुल्ला नेता ऐसा साहस नहीं दिखा सकते। ये लोग मक्कारी और झूठ का लबादा ओढ़कर दुनिया में आतंकवाद तो बांट सकते हैं, मगर इनके मानवता प्रेमी होने की उम्मीद बेमानी है। जिन मुल्कों के भरोसे पाकिस्तान 4 छलांगे लगाता था, आज खुद उनकी बज रही है। तुर्की और मलेशिया के हालात बेपर्दा है, तो चीन की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह बैठ चुकी है। हालत यह है कि आज पाकिस्तान को कोई मरता रोता नहीं देख रहा है। वैसे भी इस मुल्क के काम ऐसे नहीं रहे हैं कि 2-3 मुल्कों को छोड़कर किसी और मुल्क को पाकिस्तान से सहानुभूति हो। कम से कम भारत को इसकी हालत पर तरस नहीं आने वाला है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।